ऐड करनी सब तू बना फिर बनाता तो जाएंगे सफाई भी हो रही है, नालों की गहराई तो नहीं हो सकती, सफाई हो रही है, ठीक है। बाकी बात यह है कि इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों का खुद का अपना कसूर है, जो नालों को में पानी आता है। नाला पीछे त्रिपुरा नगर से 6 मीटर चौड़ा आ रहा है, पर हमारी वार्ड में कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां आके 1 मीटर रह जाता है। 6 मीटर का पानी 1 मीटर से कैसे जाएगा, वो हम लोगों की खुद गलती है। हमारे भाई बुजुर्ग ताए चाचे दोस्त सज्जन सब ने इंक्रोच किया हुआ है, तकरीबन कोई ऐसी 10 जगह पर इंक्रोच है। 10 आदमी की वजह से हमारा 2000 घर सफ़र कर रहे हैं, 2000 लोग सफ़र कर रहे हैं। ये हर साल नहीं, हर साल कभी किस साल बारिश ज़्यादा हो जाए। वैसे आज सुबह तो सिर्फ 45 मिनट की बारिश हुई, 45 मिनट की बारिश हुई। 5 बजे मुझे किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे कार गिर गई है। मैं आया 5 बजे, देखा तो मैंने सोचा कार इधर से गई है, मगर वो कार कहीं ऊपर से कहीं नाले के कंडे लगाई थी, किनारे पानी आया तो नाले में गिर गई और यहाँ आके रुक गई। बस ज़्यादा और कोई बात, कैसे भरपाई होगी, इंक्रोचमेंट की हुई है, भरपाई क्यों देगी देती है? कारपोरेटर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उनको भरपाई के बारे में कि भाई हमारे लोगों का नुकसान हुआ। आगे से उनका यही जवाब रहता है, यार नाले तो आपके इंक्रोचमेंट हुए। अभी नाले के लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया, 3,66,00,000 रुपये का दिया टेंडर, टेंडर भी हो गया, कंट्रैक्टर भी आ गया। अभी कंट्रैक्टर को वो जगह खाली मिलेगी तो काम करेगा ना, वो मीटर का मीटर ही बनाया तो बनाने का फ़ायदा क्या है।